नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में जितने भी वनडे की परीक्षाएं होती हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए, इसके साथ ही साथ रेलवे, RRB, NTPC और ग्रुप डी के लिए भी हमारे चैनल पर कक्षाएँ उपलब्ध हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके हमारी कक्षाओं को देख सकते हैं। मैं आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको मूल कर्तव्य, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी जिसे कहते हैं, ठीक है, फोर्थ का में, जिसका फोर्थ ए में वर्णन है, या जिसे हम फोर्थ का कह सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया था। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग पार्ट 5 जो कि संघ के बारे में है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन पिछली कक्षाओं में जो हमने आपको बताया था उसका एक क्विक रिविजन भी करेंगे, जिससे कि आपको एक कनेक्टिविटी बनी रहे, जैसे कि मैं हर क्लासेस में आपको कराता हूँ कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। तो पिछले क्लासेस में मैंने आपको DPSP के बारे में बताया था, उसके पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था, तो DPSP के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैंने आपको एक, आज आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर एक ट्रिक रखी है, ठीक है, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन भी बनेंगे, इससे ये भी पूछा जा सकता है, इसका एक सीक्वेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारतीय मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में दिया हुआ है, उसमें कौन सा अधिकार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया था, जिसे भारतीय संविधान के भाग 12 के पार्ट फोर्थ के अनुच्छेद 301 में रखा गया है, या अभी भी संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार इसलिए क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार कह सकते हैं, ठीक है। तो मूल अधिकारों की एक टिक देखेंगे, समान स्वतंत्रता शोध शिक्षा का उपचार है, ठीक, क्या है, समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार है, ठीक है। समान से होगा समानता का अधिकार, ठीक है, आपको बनाया समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के बीच में वर्णन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपके क्या है, फंडामेंटल राइट है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था और आज आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। फिर से बात, समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार है, यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत मैंने आपको 5 प्रकार की रिट बताई थी, उसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। जो आज हमारा मूल टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है जिसे कह सकते हैं, जो कि हमारे कक्षाएं अनवरत रूप से चल रही है, उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो आपका भाग 5 है। यदि भाग 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इस नज़रिए से भी है क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन है आपके इसी पार्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, इसके अतिरिक्त कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, इसके बारे में चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और दूसरी चीज़ एक ध्यान भी रखिएगा, अभी तक ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, पूछा भी जा सकता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें 100 अनुच्छेद हैं, 52 से लेकर 151, ठीक है। अब हम लोग इसको 1x1 करके देखेंगे, ठीक है, धैर्य बनाए रखिएगा, चीज़ें थोड़ी लंबी हो सकती हैं, आपको कभी कभी चीज़ें उलझाऊ भी लग सकती हैं, लेकिन उससे परे हमको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों को हमें अपने रूटीन में लाना होगा और देखना भी होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो पार्ट 5 है इसके अंतर्गत 4 चैप्टर हैं, ठीक है। हम लोग पहले इसकी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, जो 52 है, 52 से 78, 79 से आपका हो जाएगा 122, फिर आपका हो जाएगा 123, फिर आपका हो जाएगा 124 से 147, फिर उसके बाद में आपका अनुच्छेद 148 से 151, ठीक है। ये आपके अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है, इसमें संघ की कार्यपालिका, पालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें विधायिका, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग संसद पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है, इसके बाद इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट,
ठीक है। और इसमें क्या है भाई, जो आपको मैंने बताया था कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए कोई भी संरचना हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पर हो, भारतीय संदर्भ में बात करते हैं। जैसे हमने बताया था कि भारतीय व्यवस्था क्या संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना और सरकारों के मध्य जो है वो कार्यों का विभाजन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सूचियों में आपकी जो राज्य की सूची थी, केंद्र की सूची थी, समवर्ती सूची थी, ठीक है, तो कार्यपालिका हो गई। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए चीज होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है, यानी विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होती है, विधायिका वो होती है जो विधि बनाती है, और मतलब नॉर्मली आप कह सकते हैं क्या कहें, सर विधायिका हो गई विधि बना रही, विधि बनाने वाली। कार्यपालिका, कार्यपालिका को हम नॉर्मली क्या कहें, सरकार, क्योंकि उन्हीं विधि बनाने वालों में से कुछ लोगों का समूह होता है जो कि बहुमत प्राप्त किए होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, सरकार के रूप में जानते हैं। और जुडिशरी आपने देखा होगा अनुच्छेद 50 में मैंने बताया था कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। तो कार्यपालिका, इस कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद में न्यायवादी, महान्यायवादी से अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और फाइनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें आपका बचेगा राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री हो गया, न्यायवादी हो गया, और एक होता आपका मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। ये पांच चीजें हो गई, ठीक है। विधायिका अनुच्छेद 79 कहता है विधायिका किससे किससे मिलकर बनी होगी, आपका जो संसद होता है, ठीक है, आपका हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो आज हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर होगा इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा, ठीक है। तो हम लोग करते, ये आप देख लीजिए अभी क्या है, इसके पांच पार्ट हैं, ठीक है, पांच भाग हैं, और ये आपको मैंने जैसे बताया है कि ये क्या है, सबसे बड़ा भाग है। तो आज हम लोग पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है भारत के संघीय ढांचे को अगर देखा जाए तो भारत में आपने देखा होगा जो भारत का प्रथम नागरिक है वो आपका राष्ट्रपति है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पहले थोड़ी सी विशेष चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति वास्तव में होता क्या है, उसके बाद में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो उसके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होते हैं। राष्ट्रपति जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। इसके इतर क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, तो आप अगर किसी भी सदन में सदस्य हैं तो आपको राष्ट्रपति बनते ही उस सदन की जो सदस्यता होती है, ठीक है, वो त्यागनी पड़ती है, ऑटोमेटिक त्याग वो आपसे ले ली जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले वन बाय वन अनुच्छेद को देखते हुए और विस्तृत चर्चा राष्ट्रपति के बारे में करेंगे। जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च व्यक्ति होता है, ठीक है। और होता क्या है कि राष्ट्रपति हमारे देश में सर्वोच्च व्यक्ति है और एक हिसाब से देखेंगे तो क्या आपका संवैधानिक प्रमुख भी है, ठीक है। तो वही जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 यह व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अब जो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 53 क्या बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक। अब देखिए कार्यपालिका का सिंपल से मतलब समझिए गया आपके सरकार से है। अब देखिए जो अनुच्छेद 53 वो कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति की जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद जो 53 है, अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, वह अपने कर्तव्यों का निर्वाहन जो करेगा इस कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति के आधार पर करेगा, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त हम लोग अगर अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है, इस राष्ट्रपति के निर्वाचन से
बार बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, गुप्त मतदान के थ्रू होता है। अब हम लोग एक चीज ध्यान देके पहले हम देख देते हैं अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, देखिए अगर हम संघ स्तर पे बात करते हैं, ठीक है, तो संघ स्तर पे आपकी क्या होती है, ठीक है, लोकसभा होती है, प्लस राज्यसभा, ठीक है। अगर हम राज्य स्तर पे बात करते हैं तो राज्य स्तर पर आपने देखा होगा, ठीक है, राज्य स्तर पर ज़्यादातर जगह पर आप देखेंगे तो आपका एक सदनीय व्यवस्था है, लेकिन कहीं कहीं पर भी दो सदन है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि दो सदनीय व्यवस्था है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, एक पहला होता है विधानसभा और एक होता है आपका विधान परिषद, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में जो ये दोनों सदन होते हैं, ठीक है, इस दोनों सदनों के को जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य कभी कभी ऐसे पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में कि दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। हालांकि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो दिल्ली और पुडुचेरी था, देखिए दिल्ली पुडुचेरी में भी आपकी है तो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वहां पर अभी आप देखेंगे जो विधानमंडल वाली व्यवस्था है तो दिल्ली और पुडुचेरी के भी क्या कहते हैं जो सदस्य होते हैं निर्वाचित वो भी भाग लेते हैं, ठीक है, वो लोग अभी विधानसभा में देखेंगे, लेकिन यह लोकसभा के, ठीक है, निर्वाचित सदस्य लेते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे जो विधान परिषद होता है, अब अगर विधान परिषद हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसका इसमें निर्वाचन नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, पहले बात तो कुछ जो एमएलसी लोग मेंबर जो इसके मेंबर होते हैं, मीन्स विधायक होते हैं, वो विधायक लोग चुनते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो राज्यपाल होते हैं, कुछ का राज्यपाल आपके नामांकन करते हैं। तो जो विधान परिषद होते हैं उस विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं सॉरी विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेंगे, लेकिन जो विधानसभा होता है विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चीजें क्लियर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया केंद्र के स्तर पर दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों के निर्वाचित सदन मीन जिसका निर्वाचन होता है जो चुनके जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर बात करते हैं तो विधानसभा विधान परिषद होती है, ठीक है, विधान परिषद के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं, तो इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो विधानसभा होता है उस विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि जो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके भाग लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अनुच्छेद 55 आता है, ठीक है, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीत दी गई है, उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद अगर हम 56 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। एक बार अभी सीक्वेंस से आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या चीज़ें हैं। अनुच्छेद अगर मैं 56 की बात करता हूँ तो वो क्या बताता है, राष्ट्रपति की पदावधि। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, तो जो सामान्यतः राष्ट्रपति की पदावधि होती है वो कितने वर्षों की होती है, 5 वर्षों की होती है। हालांकि इससे पहले क्या कहता है वो किसको, ये क्वेश्चन ही से पूछा जाएगा किसको वो क्या करता है, अपना पद त्याग कर सकता है, लेकिन किसको अपना जो पद त्याग है वो करेगा, वो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को एक पत्र लिख के उसमें यह कह सकता है कि देखिए आप हमारी कार्य करने की इच्छा नहीं है, वो हम क्या कहते हैं यानी राष्ट्रपति को अपना सॉरी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, ठीक है। यानी है क्या वैसे वस्तुतः 5 वर्ष इसका कार्यकाल है, लेकिन उससे पहले ये उपराष्ट्रपति को जो अपने क्या कहते हैं कार्य की अवधि होती है उससे पहले उपराष्ट्रपति को अपने संबोधित हस्ताक्षर के द्वारा अपना जो पद है वो त्याग सकता है,
तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 56 के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया फिर से एक बार, अनुच्छेद 52 क्या है, 52 बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो आपके राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। उसके बाद मैंने आपको अनुच्छेद 56 बताया, उसमें 56 में जो बताया गया है कि जो राष्ट्रपति की पदावधि है उस राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 58, देखिए जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हता होती है। इसमें से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, मैंने आपको नागरिकता वाले चैप्टर में बताया था कि किसने कितने प्रकार से नागरिकता भारत की ग्रहण की जा सकती है, 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से जो पूछता है, क्या भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए भारत में जन्म लेना आवश्यक है कि नहीं, ठीक है आप लोग बताइएगा, क्या भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में जन्म लेना आवश्यक है कि नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भारत का नागरिक होना, क्योंकि नागरिकता मैंने आपको बताया नागरिकता और भी कई तरीके से ग्रहण की जा सकती है, इसलिए भारत में जन्म लेना जरूरी नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या व्यवस्था है, अगर अमेरिका में आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर जन्म लेना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चंस हालांकि बड़ी कक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। तीसरा भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। ये बहुत ध्यान, जब मैं लोकसभा के सदस्य के बारे में बताऊंगा पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां बताऊंगा कि लोकसभा की सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। देखिए यहां पर देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अगर उम्र की बात करते हैं तो 25 ईयर्स है, इसीलिए यहां पर उम्र का अलग से मेंशन कर दिया गया कि 35 होना चाहिए। राष्ट्रपति भी 35 होगा, उपराष्ट्रपति भी 35 होगा, ठीक है। तो इसीलिए बता, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता। अगर हम उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करेंगे तो आपको जैसा मालूम है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन सभापति होता है, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता, तो वहां पर उसके पास क्या होनी चाहिए कि जो राज्यसभा है, ठीक है, उसकी अर्हता होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद आपका है 58, ठीक है। अब 60 के बारे में बताऊंगा मैं। देखिए मैंने मैं आपको जब अनुसूची पढ़ा रहा था तो अनुसूची में वैसे शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे किस अनुसूची में है शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में अनुसूची 3 में है, लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में 60 और 61 यानी 60 और 69 में, तो यही 69 में राष्ट्रपति का शपथ। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए किसके सम्मुख, ठीक है, वो शपथ लेगा,
ठीक है। तो क्या जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख शपथ लेता है, उप न्याय जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो उससे निचले जो न्यायाधीश होंगे उसके सम्मुख शपथ लेगा। यानी कि जो अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 60 में शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में इसका वर्णन है, ठीक है। उसके आगे हम लोग अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। देखिए चीजें मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि क्लास में चीजों को रटा दी जाए, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसीलिए जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो उस क्लास में जो पिछले कक्षाओं में चीजें बताई गई हैं उसको एक बार रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके दिमाग में, ठीक है, फिर से उसी अवस्था में आ सके और आप लोग एक बार फिर से अपने आपको मेंटली प्रिपेयर कर सकें जिससे से अच्छे से आप आगे की पढ़ाई पढ़ सकें, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। देखिए महाभियोग का सिंपल सा मतलब है कि कहने का मतलब यह है कि जैसे संविधान में जो राष्ट्रपति के लिए उनके कर्तव्यों का जो कर्तव्य बताए गए हैं उससे इतर वो काम करते हैं, मीन्स कहने का मतलब है अगर वो कर्तव्यों से इतर काम करते हैं इसका मतलब है संविधान की कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे हैं। तो उसमें लिखा भी है कि अगर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं, मीन्स आपको राष्ट्रपति बना दिया गया इसका मतलब नहीं है कि आप अपने पावर का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रमुख तो भारत का होता है लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार होती है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करता है, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया कि अगर ऐसी कुछ अवस्था निकल कर सामने आती है जिसमें लगता है कि जो राष्ट्रपति है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, जो उसको संविधान के द्वारा कार्य दिए गए हैं उसका निर्वहन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही जान रखिए, जो इसकी प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन से, ठीक है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अलग है। उपराष्ट्रपति के लिए केवल आप जो प्रक्रिया चालू करेंगे वो आपका राज्यसभा से स्टार्ट होगी, लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति के संदर्भ में किसी भी सदन में जो यह प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका जो उप राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। इस अनुच्छेदों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आप राष्ट्रपति के बारे में और चीजें जानते भी होंगे, क्योंकि देखिए चीजें क्या है कि जितने हम अपने आसपास देखिए राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ सबको मालूम होता है। हमारा उद्देश्य, मैं आपको टू द पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, जाने के इस पे एक डेढ़ घंटे का लेक्चर लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं, हमको जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें पढ़ेंगे एक कंसाइज मैनर में टू द पॉइंट पढ़ते हुए। देखिए हमको बनना क्या है, लेखपाल बनना, हमको संविधान विशेषज्ञ, ठीक है, संविधान का ज्ञाता नहीं बनना है, ठीक है। तो चीजें उसी तरीके से बताई जा रही हैं। अगर हाँ आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट जा रही हैं तो आप निश्चिंत होकर बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में करिए, उन चीजों को सुधारा जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे अपने अनुभवों के आधार पर, जहां तक मेरा विवेक काम करता है, इतनी चीजें आपके लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के प्रारंभ में बताया था कि आज मैं आपको अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच में बताऊंगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में चीजें बताई जा चुकी हैं, अब हम लोग उपराष्ट्रपति को स्टार्ट करते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति का भी भारतीय अगर राज व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं तो एज इट इज इसकी कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है, ठीक है। लेकिन है क्या कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका राज्यसभा होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दो सदन, ठीक है, संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। तो उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके एज इट इज कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन हाँ राज्यसभा का सभापति होता है, उसके अतिरिक्त आपकी राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में या किसी भी कारणवश उसका देहावसान या कोई ऐसी आकस्मिक स्थितियाँ उत्पन्न होती है जिससे राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वाहित करने में सक्षम नहीं है, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो वन बाय वन करते हुए हम लोग क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 63 से स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको 52 में बताया था। 52 में क्या बताया था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वैसे अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का
उपराष्ट्रपति ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना ठीक है। अब देखिए शब्द समझ लीजिए, पदेन सभापति मीन्स कहने का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर पद की स्थिति के कारण आप उस योग्यता को मतलब उस उपाधि को धारण करते हैं ठीक है। यानी जैसे कहने का मतलब है कि आप उपराष्ट्रपति बने तो आप तुरंत ही वैसे ही क्या होंगे, जो आपका राज्यसभा है उस राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। पदेन सभापति का मतलब ये होता है। इसके बाद में जो अनुच्छेद 65 है, अनुच्छेद 65 में वही बताया गया है कि जैसे मैंने आपके राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बताया था कि किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना ठीक है। देखिए सीक्वेंस चीजें चलेंगी, 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, 64 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके बाद अनुच्छेद 65 में यह बताया गया है कि किसी भी कारणवश अगर आपके राष्ट्रपति जी अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वह मतलब वो जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे और जितनी भी सेवा सुविधाएं हैं वो सब उनको क्या मिलेंगी, राष्ट्रपति के दर्जे वाले मिलेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग अगर अनुच्छेद 66 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 66 में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है उसके बारे में बताया गया है ठीक है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताया था जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य की जो विधानमंडल होती है उसमें भी विधानसभा के जो होते हैं निर्वाचित सदस्य, इसके अतिरिक्त दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ठीक है। इसमें भी जब ऐसी व्यवस्था की गई थी तो इसमें भी जो आपकी क्या कहते हैं जो संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा में बहुत डिस्कशन हुआ था कि क्यों हम लोग, देखिए राष्ट्रपति कहीं ना कहीं हम वो प्रत्यक्ष रूप से हमको प्रेजेंट करता है ठीक है। जब भाग फाइनली जितने भी डिस्कशंस हुए उसमें यही निकल के आया तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते, लेकिन उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में क्या है कि संसद के दोनों सदनों के जितने भी सदस्य होंगे वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। जो इसका निर्वाचन होगा ये आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है ठीक है। तो ये आपका हो गया 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपके बताया गया। तो चीजों को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति ठीक है। अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है कि यदि जो आपका उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब आपके राष्ट्रपति आपके अवेलेबल नहीं होंगे। अनुच्छेद 66 में बताया गया है जो उपराष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा ठीक है। अब वही इसी में एक सब पॉइंट है, उसमें बताया गया निर्वाचन के लिए पात्रता ठीक है। निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ें वही हैं ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसके साथ ही साथ राज्यसभा का जो सदस्य है वो निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ठीक है। 67 में क्या है, 67 में उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है उस पदावधि के बारे में बताया गया है। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो भी 5 वर्ष की होती है, हालांकि इससे पहले ठीक है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है
ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ, ठीक है, उपराष्ट्रपति के जो शपथ है उस उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में आपके अनुच्छेद 69 में बताया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वैसे शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में जितने भी आपके संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ठीक है, जो आपके अनुसूची 3 है उसमें बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद जो 69 है उस अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है, उनके बारे में बताया। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त अनुच्छेद जो 69 है उस 69 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो शपथ और प्रतिज्ञान कैसे लेगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अभी जो टॉपिक आप लोगों को बताया गया था उसमें बताया गया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद में केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, फिर महान्यायवादी, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। ठीक है, जिसमें से आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जा चुका है। अब हम लोग आगे केंद्रीय मंत्री जो मंत्रिपरिषद है उस मंत्रिपरिषद के बारे में आगे हम लोग बातचीत